अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कश्मीरी तड़का ट्विस्ट। माय नेम इज़ जैस्मिन और आज हम बनाने जा रहे हैं बटर गार्लिक फिश विद मशरूम एंड स्पिनाच एज साइड्स। ये डिश अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है, कम से कम टाइम में बढ़िया और हेल्दी बनने वाली ये डिश है। अगर आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हो जो टेस्टी भी हो और कम टाइम में भी बने तो ये रेसिपी आप इन तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बटर गार्लिक फिश। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे। इस रेसिपी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सैल्मन फिलेट्स, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस डिश के लिए आपको सैल्मन ही यूज़ करना है, आप किसी भी किस्म की फ़िश या अपने चॉइस की फ़िश यूज़ कर सकते हो। आगे हम फिश को चार हिस्सों में कट कर लेंगे और इसकी स्किन निकालेंगे। अगर आप चाहो तो आप विद स्किन भी कुक कर सकते हो, पर हम जनरली प्रेफर करते हैं विदाउट स्किन। अब फिश क्लीन हो गई है, अब हम इस पर नमक और काली मिर्च छिड़केंगे। नमक और काली मिर्च हमको फिश के दोनों साइड पे छिड़कना है और फिश को अच्छी तरीके से मलना है। 5 से 10 मिनट हम फिश को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बनाते हैं स्पिनाच और मशरूम साइड्स। स्पिनाच और मशरूम साइड्स के लिए हमने ली है एक छोटी प्याज जिसको हम बारीक कट कर लेंगे। सात से आठ लहसुन, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इस डिश के लिए, हम इसको भी छोटा छोटा कट कर लेंगे। और आधा हम यूज़ कर रहे हैं स्पिनाच और मशरूम साइड्स के लिए और आधा हम यूज़ करेंगे फिश के लिए। स्पिनाच लिया है लगभग एक बॉल, इसको भी हम पतला पतला कट कर लेंगे। चार मशरूम्स जिसको हम स्लाइसेस में कट कर रहे हैं। तो चलिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। अब हमने पैन में एक टेबलस्पून ऑयल लिया है और फिर उसमें हम ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को 20 से 30 सेकंड सौटे होने देंगे, फिर हम ऐड कर रहे हैं इसमें कटी हुई प्याज। इसको भी हमको लाइट सौटे करना है लगभग एक मिनट तक और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। मशरूम को हमको बस तब तक फ्राई करना है जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो मशरूम का कलर चेंज हो गया है। अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे नमक और काली मिर्च की पाउडर। बस हमने 1 पिंच डाला है नमक और काली मिर्च की पाउडर का। बस लाइट सौते और अब हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई स्पिनाच। स्पिनाच ऐड करने के बाद हमको इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, हम बस इसको 20 से 30 सेकेंड सौते कर लेंगे और फिर क्विकली हमने इसमें ऐड करना है श्रेडेड चीज़। हमने यूज़ किया है मोजरेला चीज़। चीज़ ऐड करने के बाद हम इमीडिएटली चूल्हे को बंद कर देंगे ताकि चीज़ जल ना जाए। और ये देखिए हमारे मशरूम और स्पिनाच साइड्स रेडी हो गए हैं, इसको निकाल कर हम साइड में रख देंगे और चलिए अब फिश फ्राई करते हैं। फिश फ्राई के लिए हमने सेम पैन में 2 टेबलस्पून बटर लिया है, क्योंकि ये बटर गार्लिक फिश है तो बटर बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूल्हा बहुत तेज ना हो वरना बटर जल जाएगा। जैसे बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे फिश। फिश को हम दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। वैसे फिश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फिर लगभग 5 से 7 मिनट में फिश अच्छी से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए फिश अच्छे से फ्राई हो गई यहाँ पर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सोया सॉस।
सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसको एक मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। बस तो अब हमारी फिश रेडी हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे और साइड में रख देंगे। चलिए तो हम अब आगे बनाते हैं बटर गार्लिक सॉस। बटर गार्लिक सॉस के लिए उसी पैन में हम ऐड कर लेंगे चॉप गार्लिक। गार्लिक को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस वक्त ये गार्लिक और बटर की खुशबू बहुत अच्छी आती है। हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हर्ब्स। हम ऐड कर रहे हैं 1 पिंच ऑफ बेसिल और 1 पिंच ऑफ ऑरिगैनो। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस खुशबूदार हमारा बटर गार्लिक सॉस रेडी हो गया है और अब हम इसको सर्व करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म। सबसे पहले हम रखेंगे फिश और फिर हम रखेंगे स्पिनच और मशरूम साइड्स और फिर हम पोर करेंगे गर्मा गर्म बटर गार्लिक सॉस। तो देखिए झटपट ये यमी सी डिश रेडी हो गई है और इसको बनाने के लिए हमको आधे घंटे से भी कम टाइम लग गया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।